हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेब डिजाइनिंग के HTML के पार्ट 13 वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सेमांटिक टैग को पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑडियो और वीडियो टैग को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया था। तो देखते हैं कि सेमांटिक टैग क्या होता है और किस तरीके से HTML में काम करता है। मैं फॉन्ट बड़ा कर लेता हूं थोड़ा सा। दोस्तों, HTML से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिख देते हैं कि HTML समझ जाएगा कि ये कोडिंग जो हम कर रहे हैं HTML 5 के अंडर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक टाइप। दोस्तों, आज जो हम टैग पढ़ेंगे, इससे पहले हम जो भी टैग पढ़ते थे जैसे कि br टैग या b टैग, किसी भी टेक्स्ट में हम अगर b टैग को लगाते थे तो बोल्ड हो जाता था, u टैग को लगाते थे तो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता था। बेसिकली आज जो हम टैग देखेंगे वो किसी भी टेक्स्ट के प्रॉपर्टी में ऐड नहीं होगा। आज जो हम टैग को देखेंगे वो किसी भी टेक्स्ट के प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा या किसी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में ऐड नहीं होगा। तो जो सबसे पहले हम लोग टैग पढ़ेंगे वो है हेडर टैग। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेविगेशन टैग। उसके बाद जो हम देखेंगे सेक्शन टैग। और फिर आर्टिकल टैग। और उसके बाद एसाइड और फुटर टैग। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हेडर टैग की। हेडर टैग किसी भी वेबसाइट में जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है, उसमें उसको हम यूज करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए हेडर टैग का इस्तेमाल करते हैं। और हेडर टैग के अंदर में ही, जैसे आप कभी कभी या बहुत सारी वेबसाइट में देखते हैं कि एक नेविगेशन बार होता है, नेविगेशन बार में अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, सर्च का बटन बना होता है। अबाउट पे क्लिक करने के बाद उसके बारे में दिखाता है, कॉन्टैक्ट पे मोबाइल नंबर आ जाता है, होम पे क्लिक करने पे आप होम पेज पे चले जाते हैं। इसी तरीके से नेविगेशन बार में हम कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। और सेक्शन में कई वेबसाइट में हम अलग अलग हेडर पार्ट के नीचे सेक्शन देखते हैं जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट भी लिखा होता है। कॉन्टैक्ट सेक्शन के बाद हम कॉन्टैक्ट, अगर कोई कॉन्टैक्ट लिखना चाहते हैं तो उसमें आर्टिकल लगा लेंगे। और एसाइड, जैसे किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की वेबसाइट में आप देखते होंगे कि साइड में एक लिखा रहता है रीसेंट कमेंट, इस तरीके से उसके लिए एसाइड यूज किया जाता है। और एक हमारे पास लास्ट जो टैग है वो फुटर टैग है। तो जो
वेबसाइट का जो बॉटम एरिया होता है, जो सबसे नीचे, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कॉपीराइट ऑल ऑल राइट रिजर्व 2020 लिखा होता है, तो उसके लिए हम फुटर यूज करते हैं। तो सबको हम यहाँ पे कोड में लगा के देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हमने डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा है, उसके बाद एचटीएमएल हेड टाइटल में हमने सेमांटिक टैग लिखा, टाइटल को क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हेड क्लोज हुआ है, बॉडी को हमने स्टार्ट किया। बॉडी स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमने हेडर क्रिएट किया, और हेडर के अंदर में हमने एक नेविगेशन बार बनाया, और उस नेविगेशन के अंदर हमने होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट रखा। इसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन क्रिएट किए, हम सेक्शन में एक H2 बनाए, H2 में पोस्ट 1 लिखे। उसके बाद H2 मतलब हेडिंग के अंदर में हमने एक आर्टिकल बनाया, उस आर्टिकल में लिखा माई कंटेंट। उसके बाद सेक्शन को क्लोज कर दिया हमने। आप अगर चाहें तो एक और सेक्शन बना सकते हैं, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक एसाइड बनाया, यहाँ पे एसाइड को हमने ओपन किया है लेकिन एसाइड को क्लोज नहीं किया है, तो ये मिस्टेक आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको सही कर देते हैं एसाइड। इसके बाद यहाँ पे हमने फुटर क्लोज किया, एक सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पे हमने अभी फुटर को ओपन नहीं किया है और यहाँ क्लोज कर दिए, तो इसको एक बार सही कर लेते हैं फुटर। और इसमें मैं लिख देता हूँ कॉपी कॉपी एंड क्लेम। ऑल राइट रिजर्व, टू थाउजेंड ट्वेंटी।
आप किसी भी वेबसाइट के नीचे देखते होंगे कॉपी एंड क्लेम ऑल राइट रिजर्व लिखा होता होगा या कुछ और भी लिख सकता है। तो फुटर का काम है जो बॉटम एरिया है उसको ये बनाने में वर्क करता है। और यहाँ पे बॉडी क्लोज एचटीएमएल क्लोज, अब इसको हम सेव करते हैं और चलते हैं इसका देखते हैं रिजल्ट क्या शो होता है। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इसको। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे होम अबाउट कॉन्टेक्ट पोस्ट वन, पोस्ट वन में माई कॉन्टेक्ट, पोस्ट वन माई कॉन्टेक्ट, यहाँ पे पोस्ट टू भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे एक रिसेंट है और रिसेंट के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, इसके अंदर मैंने कोई हेडिंग नहीं बनाया। कॉपी एंड क्लेम ऑयल ऑल राइट रिजर्व लिखा है, 2020 लिखा है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकेट बना हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं कोड में कहीं लगा होगा वो, जिसके वजह से ये शो हो रहा है। हाँ यहाँ पे HTML के नीचे एक लग गया है इसी की वजह से। तो अभी आप देख सकते हैं कि होम अबाउट कॉन्टेक्ट पोस्ट वन माई कॉन्टेंट, पोस्ट वन माई कॉन्टेंट रिसेंट कॉपी क्लेम ऑल राइट रिजर्व 2020, इसके नीचे वो जो आ रहा था नहीं आ रहा है। और अगर इसको और भी हम एक्सक्लूसिव बनाना चाहें जो आज के ट्रेंड में चल रहा है, आज किसी भी साइट में देखते हैं, तो वो सब जो भी चीज़ें हम CSS कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और कोडिंग करेंगे, अभी हम सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे सेमेंटिक टैग बताए हैं। जो चीज़ें हम HTML5 से नहीं कर पाएंगे वो हम CSS से करेंगे। और यहाँ पे हमारा HTML ओवरऑल ख़त्म होता है और इसके बाद हम CSS को स्टार्ट करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल सेट। कल या परसों से जो भी हो उसकी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। और CSS जब ख़त्म होगा तो उसके बाद जावा और जावा स्क्रिप्ट का वीडियो आएगा। और इसके बाद ही एक या दो दिन में हम एक कंप्यूटर स्पेशल का इस पे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके हाई लेवल तक कंप्यूटर की क्लास यहाँ पे चलाई जाएगी PDF के द्वारा। और उसमें आप ओ लेवल या जो भी उसमें चैप्टर कवर किए जाएंगे, अगर वो किसी वन डे एग्ज़ाम में या स्टेनोग्राफर या कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम है, जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है सब कुछ कवर होगा। तो एक या दो दिन में वो कोर्स आ जाएगा, बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पे ही क्लास चलेगी, कंप्यूटर स्पेशल के नाम से आएगा। और एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके एकदम कोडिंग लेवल तक हम उसको लेके जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा HTML ख़त्म होता है और इसके बाद से CSS की क्लास स्टार्ट होगी। और इसमें जो भी अगर आपको किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आता है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसा कुछ HTML में है नहीं। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने कंप्यूटर नगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।